चलिए करते हैं शुरुआत हमारे इस खास पेशकश की। कितनी तैयार है दिल्ली? दरअसल बात है मानसून में दिल्ली सरकार और एमसीडी की तैयारी की। मानसून दिल्ली में दस्तक दे चुका है। राजधानी दिल्ली में जुलाई महीने में भारी बारिश होने की संभावना है। जाहिर तौर पर दिल्ली की जनता के लिए ये राहत की खबर है, लेकिन इसे राहत में छिपा है दर्द। वो दर्द जो हर साल दिल्ली की जनता को होता है, वो दर्द है बारिश के बाद जल भराव का। जी हाँ, बारिश के बाद दिल्ली में जल भराव होना आम बात है, लेकिन इसी जल भराव के कारण हर साल दिल्ली की जनता बीमार पड़ती है। हालांकि इस बार दिल्ली सरकार और एमसीडी नालों की सफाई के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, पर इसकी जमीनी हकीकत क्या है, इस पर से उठाएंगे आज पर्दा, दिखाएंगे आपको दिल्ली का हाल। चलिए करते हैं शुरुआत इस खास पेशकश की। तो टोटल न्यूज ने दिल्ली के कई नालों की पड़ताल की, हर इलाके में जाकर खुद नालों और नालियों का हाल जाना, लेकिन पड़ताल में क्या आया सामने, आप भी देखिए टोटल न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली में मानसून को आए एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन दिल्ली को मानसून वाली असली बारिश का अब भी इंतजार है। इस इंतजार के साथ बारिश के साथ आने वाली जल भराव की परेशानी की चिंता भी हर दिल्ली वाले को सता रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस बार मानसून से मुकाबला करने के लिए सरकारी महकमा कितना तैयार है। यूँ तो हर बार की तरह इस बार भी सरकार अपनी तैयारी में कोई कोर कसर न छोड़ने का दावा ठोक रही है, लेकिन इन दावों और सरकारी तैयारियों की असली हकीकत क्या है, ये जानने के लिए टोटल टीवी ने दिल्ली के बड़े नालों की खास पड़ताल की। दिल्ली के नालों की पड़ताल की पूरी सीरीज में आपको सबसे पहले पूर्वी नगर निगम के क्षेत्र में पड़ने वाले दिल्ली सरकार के एक बड़े नाले का हाल दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ईडीएमसी इलाके के मुस्तफाबाद इलाके में, और ये जो आप नाला देख रहे हैं जो दूर दूर तक नज़र आ रहा है, ये दरअसल इस इलाके का एक बड़ा नाला है, और इस नाले से आसपास के जो इलाके हैं जैसे मुस्तफाबाद है, गंगा विहार है, जौहरीपुर है, और साथ ही चांदबाग है, यानी हज़ारों की तादाद की जो पॉपुलेशन है वो इसी नाले पे डिपेंड है। लेकिन अगर आपको इस नाले की तस्वीर दिखाए और इस नाले की हकीकत दिखाए तो सारा माजरा आपकी समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि नाले के बीचों बीच कूड़े का बड़ा ज़बरदस्त ढेर लगा हुआ है, और उस जगह पर आपको लगेगा कि जैसे वो नाला नहीं बल्कि नाले के बीच में कोई कूड़े का बड़ा सा ढेर हो। दिल्ली सरकार के दावों की पड़ताल के बाद बारी थी एमसीडी के नालों की पड़ताल की। ये तस्वीरें पूर्वी दिल्ली नगर निगम के ड्रेन नंबर 52 की हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि एमसीडी की तैयारियों की हकीकत क्या है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस सीजन में एमसीडी की तरफ से इस नाले को एक बार भी अब तक साफ नहीं किया गया है। यमुना पार में बड़े नालों की पड़ताल करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के ड्रेन नंबर 52 के, जो एमसीडी का नाला है और ईडीएमसी इसकी एजेंसी है जिसके जिम्मे इसको साफ करने का जिम्मा है। लेकिन नाले की तस्वीर से आपको पता लग जाएगा और अंदाज़ा लग जाएगा कि लंबे वक्त से इस नाले की सफाई नहीं हुई है। पूरा का पूरा लगभग नाला जो है कूड़े के ढेर से, पन्नियों से, और साथ ही कीचड़ और गाद से भरा हुआ है। और स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद है। इस नाले को की क्या तस्वीर लगभग ऐसी ही है? ये नाला जो है कर्मचारी आते हैं और घूम फिर के चले जाते हैं, कोई पन्नियाँ नहीं निकालता। कम से कम 50-60 कर्मचारी हैं और आते हैं, रोटी खाते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं। पड़ताल का सिलसिला अब पहुंचा उस्मानपुर। ये भी इस इलाके का बड़ा नाला है जिसमें गावड़ी गांव से सीलमपुर के बीच सब इलाकों का पानी आता है, लेकिन एमसीडी के इस नाले की हालत देखकर लगता है कि यह सारा इलाका मानसून की बारिश में जलमग्न हो जाएगा। पिछली बारिश में भी ऐसा हो चुका है। नालों की पड़ताल करते हुए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पूर्वी नगर निगम के एक और नाले के पास, जिसे यहां पर उस्मानपुर का
नाला कहा जाता है। और इस नाले के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये जो दिल्ली का गावड़ी इलाका है वहाँ से शुरू होता है और आखिर में सीलमपुर तक जाता है, और इसके बीच में जितने भी इलाके पड़ते हैं सभी इलाके जो है इसी नाले पर डिपेंड है। और जितने भी कॉलोनियाँ पड़ती है, चाहे वो ब्रह्मपुरी हो, चाहे वो उस्मानपुर हो, गावड़ी हो, सीलमपुर हो, जाफराबाद हो, उन तमाम कॉलोनियों का पानी इसी नाले में आता है। लेकिन अगर आपको नाले की सफाई की हालत दिखाए तो आप देख सकते हैं कि नाला पूरी तरीके से गंदगी से अटा पड़ा है। और तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि मानसून से पहले इस नाले को साफ करने की कोशिश एमसीडी की तरफ से नहीं की गई। यह हाल दिल्ली के बड़े नालों का है, ऐसे में छोटे नालों की हालात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। साफ है, नाला चाहे दिल्ली सरकार का हो या फिर एमसीडी का, नालों में गंदगी का अंबार है। और ये अंबार इस बार भी दिल्ली में जगह जगह जल भराव की आफत के रूप में दिल्ली वालों का हाल बेहाल करने वाला है। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि गंदगी का अंबार इन नालों में साफ दिखाई देता है, और यही इस बार भी जल भराव और ट्रैफिक जाम की वजह बन सकता है। दिखाएंगे इस पर और जमीनी हकीकत एक छोटे से ब्रेक के बाद।